सब्सक्राइब कीजिए इट्स टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं नवी करीम, स्वागत है आपका टेक न्यूज़ के एक और एपिसोड में। लेके आपके लिए अच्छी लेटेस्ट टेक न्यूज़, चलिए देखते हैं। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, आता है पे Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Redmi Note 7 Pro में MIUI 11 अपडेट पुश होना शुरू हुआ है, तो जाइए दोस्तों अपडेट कर दीजिए अपने फ़ोन को। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है यहाँ पे Honor की तरफ से। दोस्तों Honor 9X आज रशिया में लॉन्च हो चुका है, तो कुछ लीक्स बताते हैं कि हमको इंडिया में देखने को मिलेगा और आज रशिया में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों इसमें मिलता है Kirin 710F प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा, और इसका ट्रिपल रियर कैमरा है लेकिन उसमें मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, और पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। देखेंगे इंडिया में कब लॉन्च होगा, पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है Honor 9X का। फ़ोन तो अच्छा ही है दोस्तों, तो देखेंगे इंडिया में कब लॉन्च होता है और इंडिया में क्या प्राइस रखता है इसका Honor 9X का। तो देखेंगे अगर इंडिया में आया तो क्या कमाल धमाल कर देगा Honor। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे MTNL की तरफ से। दोस्तों MTNL ने इंडिया में अपने 1 Gbps के ब्रॉडबैंड को अनाउंस किया है। फिलहाल तो दिल्ली में है और देखेंगे बाकी के कुछ और सिटीज़ में कब देखने को मिलेगा। आप इसको यूज़ करने के लिए एक्साइटेड रहेगा, 1 Gbps की स्पीड है, मुझे नीचे जरूर लिखकर बता देना नीचे कमेंट में। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi है ना 5 नवंबर को चाइना में धमाका कर देगा। दोस्तों धमाका करने वाला है 5 नवंबर को Xiaomi, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। Xiaomi Mi TV में नया सीरीज ला रहा है, पहले तो 4 सीरीज हुआ करता था लेकिन अब Mi 5 सीरीज ला रहा है, नया सीरीज लेकर आ रहा है Xiaomi, तो देखेंगे क्या कमाल धमाल करेगा। फिलहाल तो 5 नवंबर को तो चाइना में लॉन्च होगा और देखेंगे इंडिया में कब लॉन्च होगा। और Mi स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करने वाला है, चाइना में ही लॉन्च करने वाला है, तो देखेंगे इंडिया में कब लॉन्च करेगा। आप Mi स्मार्ट वॉच यूज़ करने के लिए एक्साइटेड हैं क्या, है क्या आप एक्साइटेड, मुझे वो भी नीचे ज़रूर लिखकर बता देना, टाइप करना टक टक और नीचे ज़रूर लिखकर बता देना। और Mi C9 Pro इसका भी ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा। दोस्तों पीछे के आपको 5 कैमरे मिलेंगे और फ्रंट एक, टोटल इस फ़ोन में आपको 6 कैमरे देखने को मिल जाएंगे Mi C9 Pro में। और स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर इसमें मिल जाता है, ये अच्छी बात है। दोस्तों स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ आता है Mi C9 Pro, तो देखेंगे इंडिया में आएगा तो क्या कमाल धमाल करेगा। अगर इंडिया में आया तो ये Mi C9 Pro के नाम से नहीं आएगा, शायद ये अलग नाम से आएगा, शायद ये Mi A3 Pro के नाम से आएगा। तो देखेंगे Mi A3 Pro अगर इंडिया में आया तो क्या कमाल धमाल करेगा तो ये Xiaomi। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है यहाँ पे एप्पल की तरफ से। दोस्तों चाइना में एक बंदा एप्पल के साथ गद्दारी किए करता था कि डुप्लीकेट आईफोन कहीं से मंगवाता था और उस डुप्लीकेट आईफोन के IMEI नंबर चेंज करके ओरिजिनल आईफोन में लगाया था और कहा कि ये आईफोन डुप्लीकेट है, ये काम नहीं कर रहे, मुझे ये चेंज करके दो, ऐसा कर रहा था। ऐसा करके 1500 से ज़्यादा आईफोन वो आईफोन से लिया। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो $1 मिलियन से भी ज़्यादा इसका वैल्यू हो सकती है। 1500 से ज़्यादा आईफोन ऐसा करके गद्दारी करके एक्सचेंज IMEI नंबर बदल कर ऐसा किया, तो गद्दारी तो आईफोन के साथ किया और आईफोन को पता चला और 3 साल की सज़ा और कुछ डॉलर का इसका जुर्माना उसको भरना पड़ रहा है भी। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है यहाँ पे LG की तरफ से। दोस्तों LG ने इंडिया में W सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि LG W10, LG W30 और LG W30 Pro, लेकिन W10 और W30 के इतने ही लॉन्च के साथ में प्राइस आए थे, लेकिन W30 Pro का प्राइस अभी तक आया नहीं था, आज आ चुका है। दोस्तों W30 Pro का प्राइस, जो कि प्राइस है 12,500 का प्राइस है इसका, ये आता है स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर के साथ में और 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ में। ये आपको कैसा लगता है फ़ोन, आप इसको यूज़ करने के लिए W सीरीज़ के आपको फ़ोन अच्छे लगते हैं कि LG के, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बता देना। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। Xiaomi की कितनी खबरें, 3 इसी टेक न्यूज़ में 3 या 4 न्यूज़ हो गए अभी Xiaomi के। आता है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi Redmi Note 8T बहुत लोग YouTube में ऑर्डर डाल रहे थे, Note 8T है ऐसा है वैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशन बोल के मैं भी डाला था, लेकिन ये ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन नहीं थी। वो कुछ ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन ये है कि आप Redmi Note 8 देखा होगा और उसकी स्पेसिफिकेशन भी सुना होगा, सेम ऐसे ही है, सिर्फ आपको इसमें NFC देखने को मिल जाएगा Redmi Note 8T में, बाकी के पूरे फीचर सेम ही है Redmi Note 8T के।
जैसे रेडमी नोट 8 है और इसके कुछ लाइव पिक्चर लीक होकर आए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको मैं स्क्रीन पर लगा कर रखा हूँ, आप ये देख सकते हैं लाइव पिक्चर इसका लीक होकर आया है रेडमी नोट 8T का। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग के काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स हैं जो कि 135 से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं। आने वाले वक्त में जो स्मार्टफोन आएंगे उसमें इस्तेमाल करेगा इस पेटेंट्स का। बताया जा रहा है कि सैमसंग की जो गैलेक्सी सीरीज की लाइनअप आएगी उनमें फोल्डेबल फ़ोन भी लाने की प्लानिंग चल रही है। एक और बड़ी बात है कि रोलेबल स्मार्टफोन भी आपको लाने की प्लानिंग चल रही है और आप उस फ़ोन को अपग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब रैम वगैरह को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखेंगे बहुत कुछ अपग्रेड का, कुछ यूनिक से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले फ़ोन में। तो सैमसंग कह रहा है कि आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या है क्या नहीं, आपको ये कह रहा है। देखेंगे, ये सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल खबर है, तो देखेंगे तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 135 से भी ज़्यादा पेटेंट्स है, तो देखेंगे आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। आप इसलिए एक्साइटेड रहेंगे, मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बता देना। दोस्तों खत्म, फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को साथ नीचे कमेंट बताना जरूर, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पर शेयर नहीं किया तो लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इट्स टेक्निकल।